इसमें अडैस का फीचर देख लेते हैं, तो यहाँ पे अडैस ऑन कर दिया, लेवल 2 अडैस मिल रहा है। कॉर्नर्स पे स्टेबिलिटी की अभी बात की जाए तो काफ़ी स्टेबल लगी मुझे ये। इसमें आपको 8 स्पीकर सिस्टम आ रहा है JBL की तरफ से, सो साउंड काफ़ी, साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला आपका। सो गाइस, दिस इज ऑल न्यू Hyundai Verna 2023 मॉडल। सो आप देख रहे हो यार, लुक्स कितनी बढ़िया बनाई गई है, और इसका मैंने वॉक अराउंड रिव्यू भी किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में आपके आ रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद। आज की इस वीडियो में आप देखोगे ड्राइव इंप्रेशन ऑफ ऑल न्यू Verna 2023 मॉडल। सो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा शूट नहीं हो पाएगा बाहर से, तो वो अंदर जाके ही करेंगे। फ्रंट की लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आती है, कनेक्टिंग LED मिल जाती है इसमें, और पीछे हम देखेंगे तो रियर से कुछ इस तरह से आपको यहाँ से व्यू आने वाला है, तो बहुत ही बढ़िया व्यू आ जाता है इसका। और बूट स्पेस की बात करेंगे तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें, बहुत ही बढ़िया आपको बूट स्पेस मिलने वाली है। ये जो मॉडल है ये है 1.5 टर्बो। विदाउट एनी डिले अंदर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कुछ इस तरह से आपको कैबिन व्यू देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और अभी चलते हैं, पहले गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो गाड़ी ऑन करने पे कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है, साइलेंट स्टार्ट मिलता है आपको इसमें। सो कोई भी आपको इंजन नॉइस जैसी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है इसमें। एंड सबसे पहले तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलेंगे और सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट पहन ली है, हैंड ब्रेक डाउन एंड फर्स्ट गियर। सो अभी लॉन्च करेंगे गाड़ी को। इंजन इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बो इंजन मिलने वाला है, 4 सिलेंडर इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 160 PS की एंड 253 Nm टॉर्क। सो काफ़ी अच्छे आपको इसमें पावर फिगर्स मिल रहे हैं, एंड उसी के साथ आप इसमें ड्राइव मोड भी चेंज कर सकते हो, तो 3 ड्राइव मोड आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड पावर। सो अभी इको में है तो इसीलिए ज़्यादा पावर आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलता है इसमें। एंड जैसे कि अभी ड्राइव मोड में चेंज करके बता देता हूँ आपको। सो नॉर्मल पे भी चल रहे हैं, तो नॉर्मल में भी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, इको एंड नॉर्मल आसपास ही चलते हैं। और उसके बाद जैसे स्पोर्ट में आ जाते हो तो स्पोर्ट में आपको पावर देखने को मिल जाती है, सो मैक्सिमम टॉर्क का एंड पावर आपको इसी में मिलेगी स्पोर्ट्स मोड पर। एंड जैसे कि मैं अभी 80 क्रॉस किया, तो 80 में यहाँ पर आपको वार्निंग आ जाती है रिड्यूस स्पीड करके, तो आपको ये वार्निंग दे देता है स्पीड वार्निंग कि आपको स्पीड कम स्पीड पे चलानी चाहिए, तो काफ़ी अच्छी है, आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही चलाना चाहिए। सो आगे कर्व एरिया आ जाएगा, तो उससे पहले यहाँ पे हम इसमें अडैस का फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अडैस ऑन कर दिया, लेवल 2 अडैस मिल रहा है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सेंस कर रहा है रोड की स्ट्रिप्स को, और बिल्कुल सीधा रखने की ट्राई करेगा ये, जैसे कि राइट साइड में अगर स्टेयरिंग करूँगा तो ये वापस से लेफ्ट साइड आ जाता है। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसमें। ये देखो आपको ग्रीन सिग्नल यहाँ पे शो कर देगा, तो ये इसी लेन में चलेगा, तो अडैस फीचर काफ़ी अच्छा चल रहा है इसमें। तो ज़्यादा तो नहीं चला पाएंगे अभी हम, क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही है और ट्रैफिक सीन्स भी हैं यहाँ पे, तो ट्रैफिक को देख के हम ये बंद कर लेते हैं अभी। और बाकी हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो कॉकपिट व्यू दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है, ड्राइवर ओरिएंटेड यहाँ पर आपको व्यू देखने को मिलेगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे आप कंट्रोल करोगे तो ये ड्राइवर वाली साइड आपको फेस करते हुए दिखती हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, ड्राइवर ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा बनाया है इसमें। ब्लैक इंटीरियर के साथ साथ यहाँ पे आपको रेड टचिंग आपको देखने को मिल जाती है, और उसी के नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो एम्बियंट आपको लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। 64 कलर्स में आपको ये एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी ब्लू है तो ब्लू भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। ड्राइव मोड अभी वापस से हम नॉर्मल में कर देते हैं, नॉर्मल सिटी कंडीशन में जैसे चलती है गाड़ी, तो उसी में चलाते हैं अभी। बारिश देखो यार कितनी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा बारिश थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है बारिश, तो बारिश में भी ड्राइव करने का एक्सपीरियंस ही अलग है, और काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस इसमें मिल रहा है। स्टेयरिंग की बात करेंगे तो स्टेयरिंग यहाँ पर आपको सॉफ्ट साइड पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जब आप स्पोर्ट मोड पे यहाँ पे चलाते हो तो थोड़ा बहुत आपको महसूस होता है इसमें, हल्की सी स्टिफनेस आ जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है और आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट देती है, ड्राइविंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा रहता है आपका इसमें। सो ड्राइव मोड फिर से मैं नॉर्मल में कर देता हूँ।
सो यहाँ पे देखोगे तो पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, और इसमें मैं बोलूँगा कि आपको इस कंडीशन में भी कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, आराम से गाड़ी मैन्यूवर हो रही है। उसी के साथ अभी बात करेंगे हम इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन लिटिल बिट स्टिफर साइड पे है, और स्टिफर साइड पे रहना काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज इट्स ए सेडान कार। सेडान कार में स्टिफ साइड ही होने चाहिए सस्पेंशन, बिकॉज हाई स्पीड्स में जब आप क्रूज़ करोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा रहता है स्टिफनेस का होना, की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है ड्राइवर और ड्राइव काफ़ी अच्छी रहती है। और इसमें कंफर्ट की बात करेंगे, सीटिंग कंफर्ट की, तो सीट्स काफ़ी अच्छी मिल रही हैं आपको। फ्रंट सीट आपको वेंटिलेटेड प्लस हीटेड में मिल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले जो आती थी वरना उसमें खाली आपको वेंटिलेशन का ही ऑप्शन आता था, यहाँ पे आपको हीटेड ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि ऑल वेदर कंडीशन में आपकी सीट्स कंफर्ट रहेगी, आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। आपको स्टेयरिंग व्हील अगर आप देखने में बात करोगे तो इतना ज़्यादा आई अपीलिंग नहीं लगता है, ये फ्लैट बॉटम अगर दिया जाता तो काफ़ी अच्छा रहता, बिकॉज टर्बो इंजन के साथ फ्लैट बॉटम बहुत ही अच्छा लगता है और स्पोर्टी फिनिश देता है गाड़ी को। सो वो चीज़ की थोड़ी कमी रही है इस गाड़ी में, बाकी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है इसमें। ORVM में आपको वार्निंग साइन भी देखने को मिल जाते हैं, दूसरी गाड़ी कोई भी अगर आपकी गाड़ी के पास आएगी तो ये वार्निंग सिग्नल शो कर देता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। एंड एयरबैग्स की बात करेंगे तो एयरबैग्स इसमें आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, ABS EBD जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी सेफ गाड़ी मिलती है ये। कॉर्नर्स पे स्टेबिलिटी की अभी बात की जाए तो काफ़ी स्टेबल लगी मुझे ये, जैसे कि पहले भी वरना स्टेबल ही आती थी, उस हिसाब से ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल है और स्टेबल है। कॉर्नर्स आपके बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा इसमें। पार्किंग सेंसर्स की बात करेंगे तो ज़्यादातर गाड़ियों में आपको रियर पार्किंग सेंसर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं और असिस्ट करते हैं आपको, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसमें। एक 360 कैमरा मिसिंग है इसमें, वो चीज़ होती तो भी ज़्यादा स्टैंड आउट करती गाड़ी। तो फ्रंट से तो बात हो गई, ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है इसमें, और ऑन पेपर तो यार काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें बताई गई है रियर सीट्स में भी। तो माई फ्रेंड उस्मान पीछे बैठे हैं और उनसे अभी जान लेते हैं कि वो उनके क्या कहने हैं कि उनको कैसा कंफर्ट मिल रहा है पीछे। पीछे जैसे लेगरूम वगैरह की बात कर लो तो वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि एज यू नो व्हील बेस बढ़ चुका है, और सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अंडर थाई सपोर्ट, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में क्या कि अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, बट इसमें ऐसा नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है और हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, तो जिसकी वजह से पीछे जो बंदा बैठेगा उसका कम्फर्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उस्मान काफी कंफर्टेबल लगी गाड़ी? गाड़ी काफी कंफर्टेबल है और कॉर्नरिंग पे भी बंदा ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं होता, तो ग्रिप करके रखती सीट सब। उस्मान का भी आप चैनल देख सकते हो, यूट्यूब में चैनल है ऑटोटेक वर्ल्ड करके। तो भी इसमें एक और फीचर यहाँ पे आ गया है, वो है साउंड्स ऑफ नेचर करके। तो मीडिया में आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप साउंड्स ऑफ नेचर जब प्रेस करोगे तो ये अलग अलग आपको नेचर की साउंड्स इसमें देखने को मिल जाती हैं। सो ये अभी मैंने प्ले कर दिए, तो ये देख रहे हो आप, रेनी सीजन है बाहर और अंदर भी एटमॉस्फेयर बिल्कुल रेनी सीजन वाला ही बन गया है यहाँ पे, और इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे सिटी या डॉन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको साउंड्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये आपको सराउंड साउंड देखने को मिलेगी, एंड इसमें आपको 8 स्पीकर सिस्टम आ रहा है JBL की तरफ से, सो साउंड काफ़ी साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला आपका। तो उसकी प्लेसमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक स्पीकर आपको फ्रंट में दिख जाता है, यहाँ पे वूफर सिस्टम दिख जाता है, 4 डोर्स में आपको 4 स्पीकर मिलेंगे, 2 ट्विटर्स यहाँ पे आगे देखने को मिल जाते हैं आपको, और सब वूफर आपको रियर में भी देखने को मिल जाता है। सो जब आप बूट ओपन करोगे तो वहाँ से आपको आराम से दिख जाएगा कि कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट की गई है। सराउंड आवाज़ मिलती है आपको, तो सराउंड साउंड की वजह से आपका म्यूज़िक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सो अभी गाड़ी साइड पे लगाता हूँ और मैं आपको एक फ़ीचर दिखा देता हूँ इसका, जो पहले स्किप हो गया था। तो यहाँ पे ये आपको फ़ीचर देखने को मिल जाता है, इंटरचेंजेबल स्विच यहाँ पे दिया जाता है, जैसे आप स्विच प्रेस करोगे तो यहाँ पे AC के कंट्रोल आ जाते हैं, और फिर से आप अगर स्विच प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के यहाँ पे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और जैसे मैं ये चेंज करूँगा तो यहाँ पे AC के भी आपको यहाँ पे टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको ऑटो लेवल भी AC के आपको 3 देखने को मिल जाते हैं, लो, मीडियम एंड हाई।
तो कुछ इस तरह से इंटीरियर देखने को मिल जाता है आपको। सनरूफ आपको इसमें जो मिल रहा है वो स्टैंडर्ड सनरूफ मिल रहा है, जैसे बाकी वरना में भी आता था और बाकी हुंडई की कार्स में भी आता है। IRVM यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग के साथ देखने को मिल जाता है, और कैबिन लाइट्स जो हैं, रीडिंग लाइट्स, वो आपको वाइट में मिलती हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। और बाकी आपको वॉकर ऑन रिव्यू मैंने बनाया है, तो वो आप जाके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। सो इंटीरियर्स आपको इसमें बिल्कुल प्रीमियम फील होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो कोई भी क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हो। सो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।